तो देखिए फ्रेंड्स पेपर धूप बहुत तेज होने वाली है, नॉर्थ ईस्ट के में यही है तो धूप बहुत होती है तो मैं पेपर बैठ के नहीं पढ़ पाती यहाँ पर। और सूरज सीधा डार्क मेरे अंदर घर में जाता है तो सुबह यहाँ बैठ के अच्छा लगता, थोड़ा हवा अच्छी लगती है। अभी दुकानें बन जाएंगी हमारे यहाँ तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, अब देखते कितने फ्लोर तक जाती है, 2 फ्लोर तक रहती है 1 फ्लोर, तो अभी तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बार बार खुला खुला। अभी बन गई तो फिर दिक्कत है, तो अभी तो मस्त बैठ जाती हूँ मॉर्निंग में और बाहर अच्छा लगता है मुझे खुले खुले। हम लोग बड़े बड़े घरों में रहे हैं पहले से शुरू से, क्योंकि हमारे मम्मी के घर भी खूब बड़ा घर था, इतना बड़ा घर है कि सफाई करते करते हालत ख़राब हो जाती थी। तो और यहाँ पर सिटियों में तो आपको पता ही है, मतलब बड़े तो रहते हैं, कई लोग छोटे भी रहते हैं, देखिए जिसका जैसा है वैसा गुजर बसर करते हैं, पर इन घरों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। गांव में तो ऐसा है फिर भी हो भी जाते, अभी यहाँ पे सफाई करो, इस पे धूल चढ़ गई, उस पे धूल चढ़ गई, बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। और गांव की लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर बहुत मतलब पॉजिटिव भी आती है और हर चीज़ का इतना वो नहीं रहता है। सिटी में तो हर चीज़ आपको बाहर से ही खरीद के लाना है। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का बज रहा 7:30, अभी थोड़ी देर पहले मैं सोकर उठी हूँ। अभी मुझे नाइट में अच्छे से नींद नहीं लगती, पता नहीं कुछ बेचैनी सब टाइप की होती जो अंदर अंदर वो नहीं रहता थोड़ा, तो दाढ़ बहुत दुख रही है आज, इतनी दुख रही है बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हूँ। और यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ये बहुत इनमें भी दर्द है। अब हम लोग इधर आ गए तो ना कहीं पर भी हम लोग जा नहीं पाते हॉस्पिटल वगैरह दिखाने के लिए, बढ़िया फूल खिल गए। और आज हमारे यहाँ है महालक्ष्मी, जो कि महालक्ष्मी पर्व हम लोग मनाते हैं, जो पितृपक्ष की अष्टमी आती है उसको। तो आज शाम को होगी महालक्ष्मी में हाथी पूजा, तो हाथी लेकर आएंगे फिर पूजा होगी, तो यही पूजा होती है। फिर सुबह नहाते हैं, 16 डालते हैं इधर से इधर से इधर से करके, ऐसे करके डालते हैं। तो देखिए कल लगाए थे तो ये जेट प्लांट है और ये वाले प्लांट नहीं लगा पाई हूँ, और ये देखिए ये बैगन का प्लांट यहाँ पर लगा दिया मैंने, और वो गुलाब भी नीचे लगा दिया। अब मैं ऐसा लग रहा है बहुत मैंने पेड़ पास पास हो गए हैं, तो अभी स्टॉप करूँगी, अब नहीं लगाऊँगी। और इनमें खाद भी डाला है मैंने सारे, ये देखिए यहाँ पर सब डाला है, ये धूप में कुर्सी रखी रहती ख़राब हो जाएगी। और ये देखिए इतना सारा मैं खाद लेकर आई थी वो रखा हुआ है, वो सब पेड़ों में मैंने खाद डाला है। पेड़ जब तक अच्छे रहते हैं आप उनको अच्छे से देख रेख करेंगे, उनको बार बार मतलब खोदते ना खोदते रहो, उनको सब चीज़ करते रहो तो बढ़िया है, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है पेड़ लगाने का। तो मेरे घर में मैं ही करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा शौक है। और ये मटके में जो पेड़ लगाए वो भी अच्छे हो रहे हैं, बट ये है कि धूप नहीं मिल रही है, इनको मैं ले जाके ऊपर रखूँगी। और ये जो टब रखा रहे हैं ये कुप्पी है, तो इसमें ना बड़े पेड़ लगा के भी छत पर रख, हमारे यहाँ पूरब का घर है तो धूप बहुत कम आती है और पेड़ों को चाहिए पर्याप्त धूप, तो यहाँ पर वो धूप मिल नहीं रही है अच्छे से। और ये बूढ़ा लेखो कैसा हो रहा है अजीब टाइप का, पूरे पीली पीली पत्तियाँ हो रही है इसमें। गलती मैंने ये करी कि थोड़ा इधर खिसका के लगाना था, इसको मैंने बिल्कुल उधर लगा दिया। अब वो पेड़ इतना बड़ा हो चुका कि वो उखड़ेगा भी नहीं, यदि मैं उसको छेड़ूंगी तो वो सूख जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसको लगाने का यहाँ पर। इसलिए ये सारी चीज़ें ना पहले से देख के करना चाहिए। और ये फूल आ रहा है, अभी बड़ा होगा तो मैं दिखाऊँगी, बाहर भी पौधा दिए मैंने। और ये पारिजात का पेड़ है, ये आप देख रहे हो पीछे, तो इसको बड़े गमले में लगाऊंगी तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यदि मैंने नीचे लगा दिया तो ये काफ़ी फैलता है पेड़, इसलिए इसको गमले में ही लगाना चाहिए, क्योंकि जितने भी पेड़ हैं सारे गमले में लगा दो तो सही रहते हैं। तो फ्रेंड देखिए आज का वीडियो मैंने इतना ही बनाया है, तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल क्योंकि मेरा कोई वीडियो नहीं आया था और मेरी तबीयत कल बिल्कुल ठीक नहीं थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आज भी मैंने थोड़ा सा शूट करा है मॉर्निंग में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।